सो हेलो नमस्ते काल के छुम वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। तो गाइस आज की जो वीडियो है बहुत ही खास होने वाली, बिकॉज जैसे कि हमारे इस चैनल पे बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा है सर कि सेकंड हैंड कार की वीडियो बनाइए। तो आज अपन चले वाले श्री हनुमान जी कार बाजार, वहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको 8 से 10 गाड़ियाँ कम से कम दिखाऊंगा। तो सीधा चलते हैं श्री हनुमान जी कार बाजार और सारी गाड़ियाँ एक्सप्लोर कर देंगे। तो दोस्तों आज हम लोग आए हुए हैं श्री हनुमान जी कार बाजार। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी अच्छी गाड़ियाँ हैं, बहुत ही अच्छे रेट में और काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ियाँ। जैसे कि आप पीछे यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे खड़ी हुई हैं। तो सारी गाड़ियाँ एक्सप्लोर करेंगे, एक एक चीज़ गाड़ी की बताएंगे, सारी डिटेल से लेकर पूरी गाड़ी एक्सप्लोर करेंगे। और अभी मैं हूँ टेढ़ी पुलिया रिंग रोड पर एंड अभी अब बुला लेते हैं ओनर को और सारी गाड़ियाँ एक्सप्लोर करते हैं। तो भैया बात कर लेते हमारी इस गाड़ी से, तो भैया कौन सी गाड़ी होगी ये? भैया फोर्ड की फेस्टा है, फोर्ड की फेस्टा 2015 मॉडल है। 2015 मॉडल है, हाँ। ठीक है। कितना चली हुई भैया ये चली है 93 की चली है। भैया कौन सी ओनरशिप है इसकी? फर्स्ट ओनर है, फर्स्ट ओनरशिप है। और भैया पेंट वेंट की कैसी हालत है? पेंट नहीं हुआ, ओरिजिनल पेंट पर गाड़ी, खाली आगे पीछे बम्पर हुए हैं, आगे पीछे बम्पर खाली टच अप हुआ है जी। और टायर पर भैया कैसी हालत में? टायर देख लीजिए 50% टायर है अभी। बाकी भैया ये एवरेज वेज कितना दे देती होगी? एवरेज ये आपका लोकल में वही देगी 15 से 16 का, हाईवे पे जाएगी 18-19 पे। 18 से 19 का हाईवे पे। बाकी अंदर भैया फीचर्स की बात करें तो क्या क्या मिल जाते हैं अंदर? फीचर आपको म्यूजिक सिस्टम लगा मिलेगा, फुल एसी है, चारों पावर विंडो है। अगर मैं आपको गाड़ी पूरी खोल के दिखा देता हूँ तो गाड़ी आप देख सकते हैं अंदर से, इसमें सारे पावर विंडो मिल जाते हैं आपको। आगे से देख सकते हैं एसी मिल जाता है, म्यूजिक सिस्टम फिटेड मिल जाता है और अंदर से पूरा देख सकते हैं डैशबोर्ड और सीट कवर भी आप देख सकते हैं पूरे, इसके पीछे से भी गाड़ी आप देख सकते हैं पूरी। बाकी जो गाड़ी चली हुई है आप यहाँ से देख सकते हैं 93 के आसपास गाड़ी चल चुकी है। बाकी पीछे से अगर आप मैं दिखाऊंगा आपको तो पीछे से भी आप देख सकते हैं पूरी गाड़ी। बाकी भैया इसकी डिमांड की बात करें तो कितनी डिमांड है इसकी? डिमांड इसकी भैया रखी है 4.5 लाख रुपये। 4.5 लाख रुपये ये फिक्स है कि थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाएगा? कम ज़्यादा हो जाएगा मौके पर जी। एंड भैया इसके बाद बात कर लेते हैं अमेज के बारे में जी। तो भैया कौन सा मॉडल होगा ये? 18 मॉडल है, 35,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। 18 मॉडल है, 35,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनरशिप है इसकी। बाकी पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, जो न्यू लॉन्च हुई थी वही वाली है ये जी जी। काफ़ी कंडीशन देख सकते हैं, बहुत अच्छी है इसकी, एक भी स्क्रैचेस नहीं है। पेंट उन्ट भैया कैसा है इसका? ओरिजिनल पेंट पे, खाली कटर पॉलिश का काम हुआ है, पॉलिश का काम हुआ है। बाकी पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं आगे से भी। टायर भैया कैसी हालत में? टायर अभी इसके भैया 60% है, 60%। बाकी एक बार मैं इसको अंदर से दिखाता हूँ। सो इसके इंटीरियर देख सकते हैं, काफ़ी प्यारा मिल जाता है आपको, पावर विंडो मिल जाता है आपको, साइड मिरर कंट्रोल मिल जाते हैं। इधर अंदर से भी इंटीरियर देख सकते हैं, बहुत प्यारा इंटीरियर मिल जाता है। ये न्यू मॉडल था, पीछे से अगर आप मैं दिखाऊँगा आपको तो देख सकते हैं पीछे से भी ऐसा कुछ इंटीरियर है। टायर्स भी देख सकते हैं 60% माल है भी टायर्स में। भैया इसकी डिमांड आप कितनी कर रहे हैं? इसकी डिमांड हमने 5.5 लाख रुपए रखी है, 5.5 लाख रुपए से डिमांड रखी है, जो कि फिक्स नहीं है, हो जाएगा थोड़ा कम ज़्यादा हो जाएगा। बाकी सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं आप लखनऊ नंबर पर ही हैं, कोई भी गाड़ी मतलब भैया बाहर की तो नहीं, सब लखनऊ की नंबर, सब लखनऊ नंबर, सारी लखनऊ नंबर पर गाड़ी है। बाकी अब बात कर लेते हमारी इस गाड़ी के बारे में, तो भैया कौन सी गाड़ी होगी ये? हुंडई की वरना है, हुंडई की वरना। कौन सा मॉडल होगा भैया ये? 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर गाड़ी है, 85,000 चली हुई है, 85,000 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, 2014 का मॉडल, 13 मॉडल है। पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं। पेंट वेंट भी कैसी हालत में इसकी? ओरिजिनल पेंट पे है, खाली कटर पॉलिश का काम हुआ है, खाली कटर पॉलिश का काम हुआ है, बाकी पूरी ओरिजिनल पेंट पर गाड़ी है। टायर और भी कैसी हालत में? टॉप मॉडल है, अलॉय व्हील पे गाड़ी है और टायर भी देख सकते हैं 50% माल है अभी। बाकी अंदर से आपको इंटीरियर दिखाऊँ तो देख सकते हैं, अंदर का इंटीरियर बहुत प्यारा मिल जाता है, सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पर देख सकते हैं, और पीछे सीट कवर भी देख सकते हैं पीछे की,
आगे की भी सीट कवर देख सकते हैं और देख सकते हैं टॉप मॉडल है तो सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको इसके अंदर। डैशबोर्ड भी आगे से देख सकते हैं आप पूरा। पीछे से अगर मैं दिखाऊँ तो पीछे से आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल मैटिंग वैटिंग से पड़ी हुई है। टायर्स भी देख सकते हैं अलॉय व्हील पे है, टॉप मॉडल है। तो भैया इसकी क्या डिमांड कर रहे हैं आप? इसकी डिमांड भैया रखी है 5,25,000 रुपये। 5,25,000 रुपये की डिमांड है जो काफ़ी अच्छी है। एंड इसकी जो हम माइलेज की अगर बात करें तो कितना लगेगा? माइलेज ये आपको लोकल में देगी कम से कम 14 से 15 का, हाईवे पर जाएगी 1819 सही है। बाकी पूरी गाड़ी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में गाड़ी है। पहले तुम्हारी इस गाड़ी के बारे में तो कौन सी गाड़ी होगी भैया? ये होंडा की एलेंट्रा है भैया। एलेंट्रा है जी, 2013 मॉडल है। 2013 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है, 85,000 चली हुई है। 85,000 जी। और भैया पेंट वेंट कैसी हालत में इसका? ओरिजिनल पेंट पर कटर पॉलिश का काम है, खाली आगे पीछे के बम्पर हुए हैं। आगे पीछे का बम्पर खाली हुआ है, बाकी कटर पॉलिश हुआ है जी। इधर से भी पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, टॉप मॉडल है, अलावेल पे गाड़ी है। टायर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कंडीशन में टायर्स हैं। तो अंदर से देख सकते हैं काफ़ी प्यारा इंटीरियर है इसका। तो टॉप मॉडल तो सारे फीचर्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग पे सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, सीट को आप देख सकते हैं। बाकी अंदर से पूरा इंटीरियर देख सकते हैं आप, डैशबोर्ड। और पीछे से अगर मैं सीट को दिखाऊँ तो ऐसे कुछ है। बाकी बहुत ही प्यारी गाड़ी मुझे लगी है। तो पीछे से अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे से आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं। एलेंट्रा है तो मतलब बहुत ही ख़तरनाक गाड़ी है। अच्छा भैया इसकी डिमांड आप कितनी कर रहे हैं? इसकी डिमांड भैया रखी है 6.5 लाख रुपये। 6.5 लाख रुपये इसकी डिमांड है जी। जो मौके पर कम ज़्यादा हो जाएगा, जो मौके पर कम ज़्यादा हो ही जाएगा। अगर भैया माइलेज की बात करें इसकी, लगभग माइलेज भैया लोकल में देगी या 13 से 14 का, हाईवे पर जाएगी 17 से 18 हाईवे पे, 13 से 14 लोकल पे। बाकी भैया इस गाड़ी की बात कर लेते हैं तो कौन सी गाड़ी? i20 है, हुंडई की i20। कौन सा मॉडल होगा ये? 2016 मॉडल है, फर्स्ट ओनर है गाड़ी। 2016 मॉडल है जी, फर्स्ट ओनर गाड़ी है। टॉप मॉडल है आस्था, टॉप मॉडल है। बाकी पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, अलॉय व्हील पे गाड़ी है, टॉप मॉडल है। पेंट वेंट कैसी हालत में भैया? पेंट भैया ओरिजिनल पेंट पर गाड़ी है, पेंट पर गाड़ी है। बाकी पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, लखनऊ नंबर, सारी गाड़ियाँ वैसे यहाँ सब लखनऊ नंबर पर ही हैं। टॉप मॉडल गाड़ी है i20। बाकी इसका भी डेट देख सकते हैं, टॉप मॉडल तो सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, पावर विंडोज, स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स, बाकी सब अंदर डैशबोर्ड देख सकते हैं आप। सीट कवर भी देख सकते हैं, ब्लैक एंड वाइट है, तो बहुत प्यारे सीट कवर उसमें पड़े हुए हैं। और पीछे से भी सीट कवर आप देख सकते हैं, मैटिंग वैटिंग सब पड़ी हुई है इसमें। पीछे से अगर दिखाऊं तो पीछे से भी आप देख सकते हैं पूरा। यहाँ ज़्यादातर गाड़ी सारी फर्स्ट ओनर है और मुझे गाड़ियों की कंडीशन यहाँ पर काफ़ी अच्छी लगी। जैसे ये बेस्ट डील फॉर व्हील्स में मिलती है गाड़ी, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर है। यस, i20 टॉप मॉडल की आप डिमांड कितनी कर रहे हैं भैया? आज की डिमांड रखी है 5,75,000 रुपये, जो मौके पर कब ज़्यादा हो जाएगी। 5,75,000 रुपये जी, सही डिमांड है इसकी। एंड ये कौन सी गाड़ी है? फियाट की पंटो है। फियाट की पंटो है ये, 2014 मॉडल है। 2014 मॉडल है, फर्स्ट ओनर साहब है। और कितना चल गई भैया ये? चली है 93 के आसपास चल चुकी है। लखनऊ नंबर गाड़ी आप देख सकते हैं, और बड़ी अजीब शेप में गाड़ी है ये। पेंट वेंट भैया कैसी हालत में? ओरिजिनल पेंट पर गाड़ी है, टॉप मॉडल है, अलॉय व्हील पे गाड़ी है। अलॉय व्हील पे गाड़ी है, टॉप मॉडल है। ज़्यादातर गाड़ी भैया टॉप मॉडल रखते हैं आप? हाँ, ज़्यादातर टॉप ही रहती है, 80% टायर है भी। 80% आप टायर में माल दे सकते हैं, अलॉय व्हील पे गाड़ी है। पेंट वेंट भैया क्या कटर पॉलिश हुआ है कैसे? नहीं नहीं, बिल्कुल ओरिजिनल पेंट, बिल्कुल गाड़ी है। इधर से भी आप पूरी गाड़ी देख सकते हैं, तो टॉप मॉडल ये भी है, तो सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको, पावर विंडोज, ORV में कंट्रोल्स, स्टीयरिंग में कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको। बाकी अंदर से भी पूरा डैशबोर्ड देख सकते हैं आप, सीट कवर भी बहुत प्यारे मिल जाते हैं आपको। और पीछे से अगर मैं सीट कवर दिखाऊं तो ऐसे कुछ है। बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं, बहुत ही टॉप मॉडल तो सारे फीचर्स हो जाते हैं। बाकी पूरी गाड़ी सही है, आप यहाँ पर आके स्टोर विज़िट करिए, सारी गाड़ियाँ देखिए। बाकी जो रेट है वो कम ज़्यादा तो हो ही जाएगा। बाकी सारी गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, पीछे से भी आप देख सकते हैं। ये इसका नाम बड़ा अजीब है, मैं तो बोल ही नहीं पा रहा हूँ, फिर से बोल गया इसका क्या नाम था। NVS की डिमांड आप कितनी कर रहे हैं? डिमांड इसकी भैया 3.5 लाख रुपए है, बाकी जो मौके पर होंगे देख लेंगे, तो कम ज़्यादा हो ही जाएगा। 3.5 लाख रुपए इसकी डिमांड है, सही है भैया। इसकी एवरेज की बात करें, एवरेज ये आपको लोकल में वही जाएगी 13 से 14, हाईवे पर जाएगी 17 से 18। सही है, इसका एवरेज भी सही गाड़ी है। वैसे इसका नाम बहुत अजीब है, तो ले ही नहीं पा रहे, बार भूल जा रहे हैं। तो भैया कौन सी? i10 है, ओल्ड शेप, ओल्ड शेप वाली है। कौन सा मॉडल होगा भैया ये? 2012 मॉडल है। 2012 मॉडल भैया, नंबर कहाँ का होगा ये? फैजाबाद नंबर है, फैजाबाद का नंबर है जी।
एंड कितना चल गई थी भैया? ये चली है 41,000, ओरिजिनल चली है। और भैया ये सारी गाड़ियाँ जैसे आपने दिखाई तो मतलब उनकी मीटर बिल्कुल ओरिजिनल होगा ना? मीटर होगी ना, गाड़ी लली बिली होगी ना, गाड़ी का मीटर बैक होगा, इस बात की गारंटी पूरी गारंटी रहेगी। बाकी देख सकते हैं फैजाबाद नंबर गाड़ी है, ओनरशिप भैया फर्स्ट ओनर है। बाकी गाड़ी आप देख सकते हैं इधर से भी सेकंड टॉप मॉडल है, तो इसमें अलाविल्स नहीं मिलते हैं आपको। टायर और भैया कैसी हालत में? भैया अभी इसके 50% है, 50% माल है टायर्स में। बाकी पेंट वेंट भैया कैसा है? ओरिजिनल पेंट पर गाड़ी, जो भी स्क्रैच है वो आपको खत्म करके दिए जाएंगे। ओरिजिनल पेंट पर गाड़ी, स्क्रैचेस जो आप ये देख रहे हैं ये पूरे आपको कटर पॉलिश पूरा सब कुछ करके मिलेगा पूरी गाड़ी। प्लस LPG है, पेट्रोल प्लस LPG भी है। बाकी इसका इंटीरियर देख सकते हैं, टॉप नहीं है तो इसमें थोड़े बहुत फीचर्स मिलते हैं आपको, देख सकते हैं इधर से भी। डैशबोर्ड देख सकते हैं अंदर का, पूरे सारे फीचर्स नहीं मिलते क्योंकि टॉप नहीं है ये। पीछे से भी आप देख सकते हैं, आगे से भी देख सकते हैं, पूरा पीछे से दिखाता हूँ मैं इसको, तो पीछे से भी आप पूरा देख सकते हैं, मैटिंग वैटिंग पड़ी हुई है, टी सीट कवर भी काफ़ी अच्छे हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं ये i10 सेकंड टॉप मॉडल। अच्छा भैया इसकी डिमांड आप कितनी कर रहे हैं? इसकी डिमांड भैया रखिए 2,75,000 रुपये, जो 2,75,000 रुपये कम ज़्यादा हो जाएगा, बाकी जो फिक्स नहीं है कम ज़्यादा हो ही जाएगा। तो भैया बात कर लेते हमारी इस गाड़ी के बारे में, तो भैया कौन सी गाड़ी है ये? ये मारुति की भैया जेन स्टीलो है। जेन स्टीलो हाँ। तो कौन सा मॉडल होगा भैया ये? 2010 मॉडल है। 2010 मॉडल है हाँ। और कितना चल गई भैया ये? ये चली है लगभग 45,000 के आस पास चली गई। ओनरशिप तो फर्स्ट ही होगी? फर्स्ट ओनर है। फर्स्ट ओनरशिप है। पेंट भैया कैसी हालत में? पेंट इसका ओरिजिनल है, कटर पॉलिश का काम हुआ है, कटर पॉलिश का काम हुआ है। एंड भैया सेकंड टॉप? हाँ सेकंड टॉप मॉडल है, पूरी आप देख सकते हैं। टायर और भैया कैसी हालत में होंगे? टायर इसके अभी 80% है, 80% इसके टायर से आप देख सकते हैं। बाकी गाड़ी पूरी देख सकते हैं, एक भी स्क्रैचेस नहीं है, कटर पॉलिश का काम हो ही चुका है, तो इसके भी इंटीरियर देख सकते हैं आप, अंदर से भी देख सकते हैं सीट कवर्स। बाकी डैशबोर्ड देख सकते हैं आगे से आप, तो सेकंड टॉप है तो थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाते हैं आपको, जैसे पावर विंडो हो गए, बाकी कुछ फीचर्स नहीं मिलते हैं। पीछे से भी आप देख सकते हैं, पीछे से अगर दिखाऊं तो ऐसा कुछ है, जेन स्टीलो। इसकी प्राइस की बात कर लें, आप कितने डिमांड कर रहे हैं? भैया डिमांड इसकी 1,75,000 रुपये है, 1,75,000 डिमांड है, डिमांड भी काफ़ी अच्छी है। अगर भैया इसकी माइलेज की बात करें? माइलेज ये आपको कम से कम 18 से 20 का देगा, क्योंकि प्योर पेट्रोल पे है। प्योर पेट्रोल हाँ। हमारी इस गाड़ी के बारे में, तो कौन सी सेंट्रो है ये जी? तो कौन सा मॉडल होगा भैया ये? 2013 है, 2013 मॉडल है। कितना चल गई होगी भैया जी ये? ओरिजिनल 22,000 चली है, कंपनी रिकॉर्डेड, कंपनी रोड 22,000 चली हुई है। और कौन सा ओनर से फर्स्ट होगी भैया? फर्स्ट है, फर्स्ट है। बाकी पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं इधर से भी। पेंट वेंट भैया कटर पॉलिश हो चुका है? ओरिजिनल पेंट पे है, ओरिजिनल पेंट पर है, कटर पॉलिश अभी नहीं हुआ, कटर पॉलिश जो भी स्क्रैच है वो आपको हम खत्म करके देंगे, जो स्क्रैचेस हैं वो इस कटर पॉलिश हो जाएगा, उसके बाद मिलेगी गाड़ी आपको। टायर और भैया कैसी हालत में? टायर भैया अभी इसके 50% है, 50% टायर में माल है अभी। बाकी देख सकते हैं लखनऊ पर गाड़ी है, ये भी सेकंड टॉप मॉडल है आप देख सकते हैं, तो अंदर का भी इंटीरियर आप देख सकते हैं, सेकंड टॉप मॉडल है तो थोड़े बहुत फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे पावर विंडो हो गए आपको आगे के, और पीछे के भी देख सकते हैं, थोड़े बहुत सीट कवर भी देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं इसमें, और पीछे से भी सीट कवर आप देख सकते हैं। बाकी इधर से भी देख सकते हैं आप, पूरा अंदर के भी आप देख सकते हैं। बाकी भैया इसकी डिमांड कितनी होगी आपकी? इसकी डिमांड भैया 2,75 की रखी, बाकी मौके पर देख लेंगे। 2,75 की डिमांड है इसकी, काफ़ी सही है। लोगों ने पता नहीं था कौन सा डीजल है कौन सा वेरिएंट है, तो भैया ये कौन सा वेरिएंट होगा? ये पेट्रोल पे है, ये पेट्रोल पे है हाँ। ठीक है, तो ये कौन सा वेरिएंट होगा भैया? ये भी पेट्रोल पे है, ये भी पेट्रोल पे हाँ। और वो भैया? वो पेट्रोल प्लस LPG पे, पेट्रोल प्लस LPG दोनों हाँ। और वो कौन सी होगी भैया जिसका नाम हम लोग नहीं ले पा रहे थे? डीजल है, पोंटो डीजल है। और बाकी उधर की सारी गाड़ियाँ सारी डीजल पे हैं, बाकी उधर की मैंने जितनी गाड़ी आपको दिखाई सारी डीजल पे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं ये फिंटो हो गई, i20 हो गई, एलेंट्रा हो गई, वरना हो गई, अमेज हो गई, सारी ये डीजल पे हैं। अच्छा भैया बात कर रहे थे हमारे TVV के बारे में, तो भैया टॉप मॉडल है ये हाँ। टॉप मॉडल पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं। एंड भैया इसकी ओनरशिप क्या होगी? फर्स्ट ओनर है, महिंद्रा की TVV है, टॉप मॉडल है, टॉप मॉडल है, और 24,000 चली ओरिजिनल, 24,000 चली। और कौन सा मॉडल होगा भैया ये? टॉप है। कौन सा मॉडल? 2019 मॉडल है, ऊँचा मॉडल है हाँ। पूरी गाड़ी आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऐसा लग रहा है शोरूम से निकली हुई है, एक भी स्क्रैचेस नहीं है, पूरी गाड़ी अभी तक देख सकते हैं। टायर और भैया कैसी हालत में? टायर अभी इसके भैया 90% 90% टायर, क्योंकि 19 का मॉडल है, ज़्यादा चली भी हाँ, टॉप मॉडल है। टायर भी देखते हैं बिल्कुल ज़्यादा चली भी नहीं है, तो टायर वायर सब बिल्कुल फ्रेश रखे हुए हैं।
तो अंदर से देख सकते हैं टॉप मॉडल है, तो सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। और 19 का मॉडल है, ऊंचा मॉडल है, ज़्यादा चली भी नहीं है। टायर वायर काफ़ी अच्छे हैं इसके, देख सकते हैं यहाँ से भी, बाकी पूरा आप देख सकते हैं आगे से डैशबोर्ड, बाकी सारे फीचर्स मिल जाते हैं आपको। स्टीयरिंग में कंट्रोल्स मिल जाते हैं, पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाते हैं आपको, पीछे की भी सीट्स आप देख सकते हैं। आगे की दोनों सीटों पे आपको हैंडल्स भी मिल जाता है, पीछे से अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे कुछ है। और बहुत ही प्यारी गाड़ी, क्योंकि बिकॉज बिल्कुल 19 का मॉडल है तो ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। पीछे के भी देख सकते हैं आप, ये इसकी डिमांड आप कितनी कर रहे हैं? इसकी डिमांड भैया 875 की, बाकी मौके पर देख लेंगे। की डिमांड है भैया, इसकी बात करेंगे जो न्यू आती है शोरूम में, उसकी क्या प्राइस होगी इस समय? इस समय उसके 11,75,000 रुपये शोरूम कंडीशन पे है। शोरूम कंडीशन टॉप मॉडल, टॉप मॉडल, टॉप मॉडल। एंड भैया कितना माइलेज देती होगी ये? माइलेज इसका आपको ये मान चलिए लोकल में आपको देगी 15 से 16 का, 15 से 16। हाँ, और हाईवे पर जाएगी कम से कम 18 से 20 पे, 18 से 20 का। एंड भैया कौन सा वेरियंट है ये, डीजल है कि पेट्रोल है? डीजल है, डीजल है। देख सकते हैं पूरी गाड़ी, तो सारी गाड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी। तो हर गाड़ी यहाँ पर फर्स्ट ओनरशिप है, सारी गाड़ियाँ बहुत ही अच्छी कंडीशन में। और बाकी मैंने डिग्गी आपको इसलिए नहीं खोल के दिखाया बूट स्पेस, बिकॉज यहाँ पीछे नाला हुआ था, कोई दिक्कत ना हो जाए मैं गिर खेल जाऊँ, इसलिए मैंने पीछे आपको दिखाया नहीं। तो दोस्तों मैंने सारी गाड़ी आपको यहाँ पर दिखा दी, सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं जो काफ़ी अच्छी कंडीशन में है, काफ़ी अच्छे प्राइजेस में है, और इनकी जो ओनरशिप है सारी गाड़ियाँ फर्स्ट ओनरशिप है। और बाकी सारी डिटेल्स अगर आपको लेनी हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर मिल जाएगा, उनको कॉल करिए। और यहाँ पर फाइनेंस की भी सुविधा अवेलेबल है, जो 12 से ऊपर की गाड़ियाँ हैं 2012 से, उन पर सारा आपको मिल जाएगा। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भैया का नंबर है, उनको कॉल करिए, सारी फाइनेंस की सुविधा आपको पता चल जाएगी। बाकी नीचे डिटेल्स यहाँ की मिल जाएगी, स्ट्रीट हनुमान जी कार बाज़ार की। एंड ये ट्योड़ी पुलिया रिंग रोड पर है, आप ये बिल्कुल हाईवे पे देख सकते हैं, हाईवे पे लग के पीछे आप यहाँ देख सकते हैं हाईवे। बाकी सारी गाड़ियाँ मैंने आपको दिखा दी, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर कर देगा और कमेंट करके जरूर बताएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा, सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देगा, जबकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो फॉलो कर सकते हो, मेरे इंस्टाग्राम की आईडी ब्लॉग अंडर स्वीट आईडी आपको इसमें दिख रही होगी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं प्रियांश मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।